वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल हैं और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। आ गए, नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है, उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी।
पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। सेनापतिगण, अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो। जो आज्ञा प्रभु, चलो। हो रहा। Yeah!
अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उसे परास्त करने के लिए गणों की सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको, ये क्या मूर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो? पीछे हटो। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। इस बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा।
अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ प्रभु, आप विचलित क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? देवी, भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं? तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है। हाँ, हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी। वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो।
अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक
विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। ब्रह्म देवाय नमः। ओम 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 ब्रह्म देवाय। आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा करें आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ऋषि व्यास यहां? भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो मुनिवर। भगवान, अब हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है। चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का हल है हमारे पास। गणेश। बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश। नंदी जाओ, बालक गणेश को बुला कर लाओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूषक जी, क्या कर रहे हो? प्रभु, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी पढ़कर ही दम लूंगा। आखिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान भगवान का वाहन जो हूँ, अब तो ये मोदक भी ये शब्द पढ़ने के बाद ही खाऊंगा। तब तो लगता है तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे बुद्धिमान मूषक। हाँ। वो क्यों? ठीक है, अभी पढ़ता हूँ। अरे बुद्धू, तू सीधा अक्षर ढंग से नहीं पढ़ सकता तो उल्टा क्या पड़ेगा? अब पढ़ो। रहने दीजिए प्रभु, पहले मोदक खाता हूँ फिर पढ़ लूंगा, यानी कोशिश करूंगा। क्योंकि सीधा होने के बाद तो ये और भी कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। ये पढ़ो, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम,
माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम। ये ठीक है, अब तुम ऐसे ही पढ़ते। प्रणाम गणेश। कैसे हो मूषकराज? अच्छा हो। अरे नंदी, तुम भी क्या मूषक की तरह कुछ पढ़ने आए हो? नहीं नहीं बालक गणेश, पढ़ने का काम मूषकराज पर ही छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहने आया था कि भोलेनाथ ने आपको अभी बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है, चलो। पढ़ना तो मैंने सीख लिया, चलो अब मोदक खाता हूँ। प्रभु तो जा रहे हैं। रुकिए प्रभु, रुकिए, मैं भी आता हूँ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। मुनीवर, आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनीवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, चले मुनीवर। चलिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु कहो ना उनसे। मुनीवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनीवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। ये लीजिए। Thank you.
इस तरह तो ग्रंथ पूरा ही नहीं होगा। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुशक जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। लीजिए मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गणपति बप्पा। प्रभु, तारकासुर ने कार्तिकेय को हराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया है। भगवान शंकर भी नहीं है, हम क्या करें? घबराओ नहीं, इस तारकासुर का वध हमारे प्यारे भाई कार्तिक के हाथों से ही होगा। हम युद्ध में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगे। आओ अनुज, इस सृष्टि को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड देकर इस धरती को उसके पापों से मुक्त करवाता हूँ। ऐसा बालक मेरा क्या वध करेगा? इसको तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। इसके लिए तो मेरा एक दैत्य सैनिक ही काफी है। हंस ले अहंकारी मूर्ख, मृत्यु से पहले जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हंसी। तेरी ये मजाल मायावी बालक, अभी मैं तुझे और तेरे मुट्ठी भर गनों को मजा चखाता हूँ।
Boom.